नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। नगर निकाय चुनाव 2022 के तहत प्रथम चरण में अररिया, फारबिसगंज और जोगबनी नगर परिषद के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के लिए नामांकन के अंतिम दिन 186 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। क्या नाम हुआ? सीता देवी। जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या क्या मुद्दा होगा? विकास के लिए जाएंगे। ये बताइए कि आपकी पत्नी ने नॉमिनेशन किया है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? पहले भी वार्ड पार्षद रही है, क्या कहेंगे? निवर्तमान पार्षद तो मेरी पत्नी है ही, और निवर्तमान पार्षद जब हम पद पे थे 2017 में, जब पद पे आए तो हमारे यहाँ मैंने गड्ढा गड्ढा भर सड़क था। हाँ, सबको पक्कीकरण किए हैं, सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, तीन चीज़ तो हम पहले दिए हैं वार्ड में। जनता का मेरा प्राथमिकता पहला ये रहेगा कि वहाँ पे बहुत ऐसा महादलित घनी आबादी है और वो लोग करीब 70-80 साल से बसा हुआ है। वो लोग को ना तो बिजली, ना पानी, ना इंदिरा आवास, ना शौचालय, किसी तरह का सुविधा वो लोग का उपलब्ध आज तक नहीं हुआ। मेरा पहला मुद्दा रहेगा, मैं उसका समस्या को लेकर के प्रशासन तक इसको पहुँचाना है और उसका समस्या का निदान कराना। जनता के बीच में हम मैसेज लेके जाएंगे, शिक्षा का, निकासी का, रोड का, बच्चों के स्कूल पहुंचाने का, जो सब वार्ड शहर से वार्ड में रहकर वार्ड शहर से दूर है उसको शहर के करीब लाएंगे। जैसे बसनपुर हो गया, कमेली हो गया, रजोखर हो गया, एक नंबर वार्ड हो गया, रायपुर हो गया, इस सब वार्डों में ढंग से काम होगा। और शहर की जो नाली का जो निकासी है पानी का, जो आज हर रोड में आप देख लीजिए, लोग कपड़े उठाकर चलना पसंद कर रहे हैं मजबूरी, मैं उस चीज़ को दूर करूँगा। हम अभी परजन में पार्षद भी थे और जनता का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ पहले से बना है, और जो 5 साल हमने कार्य किया है, जनता का प्यार और मोहब्बत हमसे और जुड़ गया है, दिल से रिश्ता बन गया है जनता से। और हम तो जनता को आपके माध्यम से यही मैसेज जाना चाहते हैं, विकास की डोर ना पड़े कमजोर। वार्ड नंबर 26 में जो 5 साल के कार्यकाल में हमने काम किया है, जनता आने वाला दिनों में 10 तारीख को जो वोटिंग है वो अपने वोट के प्रयोग से वो बता देंगे कि हम विकास किए हैं, विकास के नाम पे मोहर लगा है। सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 2022 का जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निर्माण बिहार के सहरसा जिला में जीविका किसान दीदियों के द्वारा जीविका के सहयोग से किया गया है। सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का आज AGM है, उसमें जीविका परिवार यहाँ पे इस AGM को ऑर्गेनाइज किया है ऑडिटोरियम में, उसी में शिरकत किए हैं। और हमारी जीविका दीदियाँ बिहार के विकास के लिए एक बैकबोन की तरह कार्य कर रही हैं। सभी जीविका दीदियों से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, उनको यहाँ से इस कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है, इन सभी विषयों के ऊपर बात हुई है। और अब जो है ये कंपनी एडवांस स्टेज पे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में और अच्छा कार्य करते हुए इस कंपनी को और ऊपर लेके जाए, इसी के ऊपर आज एक कंप्लीट विचार होगा और कंप्लीट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। शिवहर जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने स्थानीय 0 माइल चौक पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित आधा दर्जन से अधिक अतिरिक्त बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों की दबंग गई देखने को मिली, जहां पति और पत्नी को दबंगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना गांव की है। इसीलिए कौन कौन एक तो हमरा हम है एक तो हमरा बोलता हम नहीं चलाते हैं, उनको झूठ बोलता है। आज उसको आज हमको आदमी आया कहने के लिए कि जब भैंसी खुला हुआ जाकर के देखिए। हाँ, तो उसे जब गए तब जाकर के बोला कि हाँ, तब अभी भी करा के हमारा बेची गए। बेगूसराय में करंट के चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। वीरपुर में लगा टावर के पास, वहां कोचिंग पढ़ने के लिए गए थे। कोचिंग में ही करंट लगा? हाँ, कोचिंग में करंट लगा। बच्ची का नाम क्या है? सुमन कुमारी। और उनके पिताजी का क्या नाम है? सकलदेव तांतु।
पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र स्थित पछियारी टोला के बंद घर से शोरगुल सुनकर जब ग्रामीण छत के रास्ते पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। घर में खून से लथपथ एक दंपत्ति पड़े हुए थे। ग्रामीणों ने जख्मी दंपत्ति के पौत्रों को घटना की जानकारी दी और घायल दंपत्ति ब्रजकिशोर सिंह और उर्मिला सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। तब तक उर्मिला सिंह की सासों की डोरी टूट चुकी थी। इसी बीच उनका पौत्र पीयूष राज भी पहुंच गया। सभी लोगों ने मिलकर ब्रजकिशोर सिंह को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ब्रजकिशोर सिंह के घर पहुंची, जहां से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। दुकान पे सोए हुए थे तो 3 बजे फोन आया हमको घर से, घर के बगल के आदमी का, कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। हम घर पे जाके देखे तो पूछे कैसे हुआ है, तो बोला लोग कि चिल्ला रहा था लोग, तो हम ऊपर से जाके अंदर देखे कि कैसे हुआ है, तो बोले कि चिल्ला रहा था, तो अंदर जाके खोले तब हम सब कोई देख के हमको फ़ोन किया, तो हम गए घर पे। नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही पेशेंट आए हुए हैं। इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, गला पूरा कटा हुआ है और पेट में भी जो इंटेस्टाइन अंदर का है वो बिल्कुल बाहर की ओर आ चुका था, उसे अंदर डाल करके अभी रिपेयर किया गया है। पछिमारी टोला कोटवा में ब्रजकिशोर सिंह और उर्मिला सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें से उनकी पत्नी उर्मिला देवी की मृत्यु हो गई है। ब्रजकिशोर सिंह गंभीर रूप से जख्मी है। अनुसंधान अंतर्गत है कांड, देखते हैं कि क्या स्थिति है। ऐसे गांव के लोगों का कहना है कि अंदर से दरवाज़ा इनका बंद था, लोग गांव छत पर से चढ़ करके आए तो इन लोगों को जख्मी हालत में लोग देखे थे। मानसिक रूप से कुछ तनाव में चलने की बात बताई गई है, अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे हम लोगों ने SFSL की टीम बुला लिया है। इनके पास से जो हथियार था, तेजधार हथियार, वो भी बरामद हो गया है। जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य फूलमणि हेम्ब्रम ने मंगलवार को कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोजाटी हॉट इंग्लिश उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुजाती हॉट एवं मध्य विद्यालय शाहनगर का औचक निरीक्षण किया। अध्यक्ष हेम्ब्रम ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुजाती हॉट इंग्लिश में अनियमितता मिली है। इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की जाएगी। मामला यहाँ है, जैसे कि हम क्षेत्र बर्मन के तहत ये पाया, अभी वर्तमान खुजाहटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुजाहटिया में है और ये वो खुजाहटिया इंग्लिश वहाँ भी गए थे। वहाँ भी जैसे बच्चा का जो हाजिरी होता है इंग्लिश में, वहाँ जितना बच्चा को उपस्थित है उतना तो हाजिरी बना देता है, लेकिन जो बच्चा अब्सेंट है उसका जो हाजिरी नहीं बनता है। हम ये बात बोले जो बच्चा उपस्थिति है उसका हाजिरी बना दिए, जो बच्चा उपस्थिति नहीं है उसका अब्सेंट ही बनाया जाए, लेकिन इंग्लिश में हमको ये नहीं मिला अब्सेंट। बच्चा नहीं है उसका भी बोला, हेड मास्टर जो है बोला गया है कि सिर्फ हाजिरी बनाना है और अब्सेंट पर दिमाग नहीं लगाना है, ये टीचर वहाँ की बोली। कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कुट्टी पंचायत के भवानीगंज हाट में जदयू सदस्यता अभियान 2022 से 25 के कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया दानिश इकबाल ने किया। इस अवसर पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज़। नमस्कार।